सब्सिडी सक्सेसफुल तो है ही, सब्सिडी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए, और बाकी बिना सब्सिडी के भी ये बेनिफिशियल है। अगर सब्सिडी ना भी मिले तब भी मैं लगवाता, लेकिन एडिशनल बेनिफिट है, सब्सिडी मिली, दैट्स गुड। सोलर पर सब्सिडी कितना और कैसे मिलती है, इसको जानने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक कंज्यूमर ने 4 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाए हैं, जिस पर 100 सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगा है। सब्सिडी कितना मिला है, कैसे मिला है, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, और इसको लगवाने का खर्च कितना हुआ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये लखनऊ है, लखनऊ का एक एरिया है जहां पर कई न्यू घर बन रहे हैं और एरिया ये डेवलप हो रहा है। वहाँ पर कई बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा जहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और ऑलरेडी कई घर बने हुए हैं। यहाँ पर के घरों में जो हमें देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर आपको पता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर और ठंड के मौसम में गीजर, जिसके कारण घरों का बिजली बिल लगभग 3 से 5 हज़ार पर मंथ और एवरेज पूरे साल का निकाला जाए तो लगभग 3,000 रुपया आता ही आता है। उसके साथ साथ यहाँ के घरों का जो बिजली का कनेक्शन है, प्रीपेड, पोस्टपेड और स्मार्ट मीटर, इस टाइप के कनेक्शन लगा हुआ है, तो इस घर में या 4 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, उसके अनुसार यहाँ पर जो सोलर पैनल लगा है वह 3.69 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि छत को यूटिलाइज किया हुआ है, प्रॉपर डायरेक्शन देके सोलर पैनल यहाँ पर लगाया हुआ है, और नंबर ऑफ सोलर पैनल की बात करें तो 1, 2, 3, 4 यहां पर 12 पैनल सोलर पैनल लगे हुए हैं, और यहां पर 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो सिंगल फेस में है। गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, उसको प्रॉपर ध्यान में रख के, क्योंकि ये साइट, ये सिस्टम पर सब्सिडी मिलना है, सब्सिडी के और नेट मीटर के लिए ऑन ग्रिड में किसी टाइप की लापरवाही नहीं चलती है, अदरवाइज ये दोनों होल्ड हो सकती है। बाकी का डिटेल यहाँ के कंज्यूमर से जानते हैं कि वह किस तरीके से ये सिस्टम लगाए हैं, और यहाँ के जो सोलर एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि कंज्यूमर और सोलर एक्सपर्ट जो हैं वो दोनों मिलके ये साइट लगाए हैं, तो इनसे पूरी जानकारी जानते हैं। आज हमारे साथ हैं लखनऊ के होम ओनर डॉक्टर साहब हैं, इनके घर पर एक सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसके पीछे क्यों लगाए, कैसे लगाए, और यहाँ पर ये जो साइट पर सरकारी सब्सिडी भी मिली है। तो सर स्वागत है सर हमारे चैनल पर, लूम सोलर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सर हमारे ऑडियंस को एक छोटा इंट्रोडक्शन दे अपने बारे में और इस जगह के बारे में कुछ बताएं सर। जी सर, इस जगह का नाम जानकीपुरम है। जानकीपुरम का एरिया पड़ता है, नहर रोड कहलाता है। ये अभी रिसेंटली 4-5 साल से डेवलप हुआ है। 5 साल पहले मैंने यहाँ जमीन ली थी, नहीं जमीन तो एक्चुअल में 2011 में ली थी, 5 साल पहले बनवाया था ये जी। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। और आपका गुड नेम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजीव महेश्वरी है। ओके, तो यहाँ पर सर आपके घर पर सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। सोलर पावर प्लांट तो बहुत सारे घरों पर लगे हुए हैं, लेकिन सोलर में प्राइस और उसके बाद सब्सिडी, ये सोलर पावर प्लांट सर आपका सब्सिडी के ऊपर, सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगा है। जी जी, तो कुछ बताना चाहेंगे सर कि सब्सिडी कितना सक्सेसफुल है और सोलर लगवाना कितना? सब्सिडी सक्सेसफुल तो है ही, सब्सिडी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए, और बाकी बिना सब्सिडी के भी ये बेनिफिशियल है। अगर सब्सिडी ना भी मिले तब भी मैं लगवाता, लेकिन एडिशनल बेनिफिट है, सब्सिडी मिली, दैट्स गुड। सब्सिडी के बारे में मुझे मिशा जी से, रुद्रा सोलर वालों से पता चला था, तब मैंने ये चीज़ इनिशिएट की थी, उन्होंने ही रजिस्ट्रेशन कराया था, और विद इन 15 डेज सारा काम मेटेरियलाइज हो गया। तो सोलर में सर, सोलर एक ऐसा है जहाँ पर हर जगह पर, जैसे अभी आपके थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ऑन ग्रिड लगाना है, ऑफ ग्रिड लगाना है, 1 किलोवाट लगाना है, 5 किलोवाट लगाना है, ये सब प्लानिंग आप कैसे किए थे सर?
नहीं, एक्चुअल में जो डीलर्स हैं वो वही बताते हैं कि जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी लोड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आपका मीटर लगा हुआ है, उतने ही लोड का मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास 4 किलोवाट का लोड था, तो 4 किलोवाट से ज़्यादा लग नहीं सकता था, अदरवाइज तो मैं ज़्यादा भी लगा सकता था, लेकिन 4 किलोवाट का लगाया और 4 किलोवाट पे जो सब्सिडी आनी है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की 30,000 रुपये मिल चुकी है, अकाउंट में आ चुकी है डीबीटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की आने वाली है। तो यहाँ पर सर सोलर सब्सिडी में सोलर में सिस्टम की टाइप की हम बात कर रहे थे कि क्योंकि राज्य उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है और जैसे आप बता रहे थे कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, दूसरे जगह पर में भी फायदेमंद उतना ना हो, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है सर? देखिए, पर्टिकुलर ऐसे शहर में जहाँ बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी है, जैसे लखनऊ है, यहाँ ऑलमोस्ट 24 आवर की बिजली की सप्लाई है, तो यहाँ ऑन ग्रिड सबसे बढ़िया है। ओके। लेकिन जहाँ बिजली की सप्लाई 24 घंटे ना होके कम है, तो वहाँ फिर ऑफ ग्रिड लगाना पड़ेगा, और ऑफ ग्रिड थोड़ा महंगा भी पड़ता है, ऑफ ग्रिड में रेकरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऑन ग्रिड में कोई रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है, कोई बैटरी यूज नहीं होती है, कुछ नहीं, एक बार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 25 साल तक मिनिमम आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा बिल इससे पहले ऑलमोस्ट 60,000 रुपये पर ईयर का मैं बिजली का बिल पे करता था। अच्छा। जो अब 3 महीने से जब से ये लगाया है मेरा 0 बिल है, केवल मीटर चार्ज आता है, मिनिमम जो चार्जेज होते हैं वो आता है, और उसके बाद भी इस मौसम में जब धूप बहुत कम निकल रही है मेरे 192 यूनिट सरप्लस हैं अभी बिजली विभाग। अच्छा, सरकारी विभाग के पास में है। तो सर सोलर तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मोर देन सेटिस्फाइड। ओके। तो सर सोलर पर जाने के इंस्पायरेशन आपको कहां से आया है, क्योंकि सोलर तो बहुत सारे छत अभी देख रहा है खाली पड़े हुए हैं। जी जी। तो आपका इंस्पायरेशन इस सोलर पर जाने का कहां? मेरे एक मित्र हैं अनुज कुरेशिया जी, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने लगवाया था। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, तब उन्होंने मुझे बताया था, उसी से इंस्पायर होकर फिर मैंने भी लगवाया। अच्छा, तो इसका रिसर्च और प्लानिंग कैसे किए हैं सर? बहुत सारे कंज्यूमर सोलर लगवाना तो चाहते हैं, बट ये दिस इज एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है और उसका स्टेप उनको समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करें। सब्सिडी वाला अगर आपको लेना है तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लगाने वाले हैं, डीलर्स हैं, उन्हीं से लगवा सकते हैं। राइट। और हमारा सौभाग्य है कि मिश्रा जी रुद्रा सोलर वाले हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो मिश्रा जी ने जो बेटर था वो किया, और बहुत ज़्यादा ढूंढने और उसकी रिसर्च का टाइम भी नहीं होता, तो मिश्रा जी का होना हमारे लिए अच्छी चीज है। तो ये कितने दिन में स्टार्ट किए, और आपका सब्सिडी का सबसे बड़ी बात तो सब्सिडी का अमाउंट का फंसता है कि सब्सिडी में बहुत सारे प्लेयर बोल देंगे हाँ हम दिलवा देंगे, बट सब्सिडी का अमाउंट नहीं आता है, तो कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं डिसेटिस्फाई हो जाते हैं। देखिए, जब तक कंज्यूमर या डीलर कोई गलती ना करे, सारी चीजें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हों, तो सब्सिडी फंसती नहीं है। अच्छा। और मिश्रा जी ने वो किया, 15 दिन में ये लगा दिया था मिश्रा जी ने, और तब से शुरू है, सब्सिडी 3 महीने बाद आई लगभग। अच्छा, सब्सिडी का अमाउंट 3 महीने के बाद आ गई। स्टेट गवर्नमेंट की आई है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं आई। तो टोटल आपके एक हमें लिस्ट आया था, उस पर 3.6 किलोवाट का पूरा पावर प्लांट ही लगा हुआ है। 3.69। तो वहां पर आपका सब्सिडी का अमाउंट 45,000 समथिंग दिखा रहा था। 48,000 समथिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट। तो सर एक सब्सिडी में, सरकारी सब्सिडी में ये देखा लिखा हुआ रहता है 3 किलोवाट तक का 40% और 3 किलोवाट से ऊपर 20%। जी जी। क्या उसके हिसाब से सब्सिडी मिला है? हाँ, या उसी के हिसाब से सब्सिडी, या कुछ फिक्स अमाउंट करके मिला? नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का फिक्स 30,000 है और वो स्लैब वाइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 3 किलोवाट तक 14,888 शायद उतना होता है पर किलोवाट, और उसके बाद हाफ हो जाता है 3 किलोवाट के। तो ये सारा जो प्रोसीजर है सर, कोई आप ऑनलाइन देखते हैं या मैनुअल वर्क है सारा? नहीं, इसका ऐप है, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, रूफटॉप सोलर का एक साइट ही भी है गवर्नमेंट की, आप उस पर सारा डिटेल आपको मिल जाएगी। तो
मैं अपनी सारी डिटेल खोल सकता हूँ। अच्छा, मुझे सब पता चल गया कब मेरी सब्सिडी आएगी, कब डिस्पर्स हुई वहाँ से, तो सब पता चल जाता है। तो एक बार इसके मिश्रा जी से बात करते हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन वो सबमिट किए हैं जी जी, और सब्सिडी में लगाने के लिए अप्रूव्ड है जी। एक बार उनसे जानते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर सोलर लगवाना चाहते हैं बट वो ढूंढ रहे हैं कि कोई तो हमें आके लगा के दे। तो सर प्लीज आइए। हेलो सर। हाँ सर, तो सर यहाँ पर जो पावर प्लांट लगा है ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगा है। सर बताएं कि सारा काम आप करके दिए हैं, क्योंकि आप उनके पड़ोसी हैं जी जी। तो सर सबके पड़ोसी तो आप नहीं हैं, बट सोलर सभी का आप लगा सकते, तो बताएं सर ये कैसे यहाँ तक पहुँचा, और आप एक छोटा इंट्रोडक्शन भी आप जरूर दें। सर मेरा नाम एसके मिश्रा है, मैं रुद्रा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से हूँ, और मैं एक क्लास कंट्रेक्टर हूँ। ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और जो भी रूफटॉप का जो चैनल पार्टनर है इस समय प्रेजेंट टाइम में, डिस्काम में भी और ईपी नेडा में भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं रूफटॉप सोलर सब्सिडी वाला प्लांट लगाने के लिए। जहाँ तक इसका सवाल है तो हम लोग क्वालिटी बेस पर सर बहुत ज़्यादा हम लोग उसी पर फेस करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों कंज्यूमर के यहाँ हम लोग प्रोवाइड कराएँ, और उसी क्रम में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने इच्छा जाहिर की तो हम लोगों ने पहले सर्वे कराया यहाँ पे, सर्वे करा करके प्रॉपर प्लांट का देखे कि इनके यहाँ लोड कितना है, उसके बाद उसको हम लोग ऑनलाइन ले जा करके और फार्म इनका फिलअप किए, फिर जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम लोगों ने किया। यहाँ करने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब आ गई उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट लगाया। प्लांट लगाने के बाद इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन होने के बाद फिर नेट मीटरिंग का कार्यक्रम हुआ, और हमें लग रहा है कि प्लांट डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा चल रहा है। एट ए टाइम इस समय धूप अगर नहीं भी है तब भी ये मानकर चलिए कि इनका ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 यूनिट पर डे बन रहा है राइट एट ए टाइम, तो बहुत सर अच्छा रिस्पांस भी रहा है इनका। तो सर आप एक स्टेप में सारा कुछ बता दिए, हम एक एक स्टेप को आप लेके चलते हैं। सबसे पहले आप बात किए कि जो कंज्यूमर लगाना चाहते हैं वो उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलता है जी, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए क्या करना होता है उसमें सर? उसमें एक कंज्यूमर जो होता है तो उसके नेशनल पोर्टल पे जा करके हम लोग कंज्यूमर के माध्यम से ही कंज्यूमर ही उसको अपलोड करने के लिए उसमें फार्म अपना आधार कार्ड और बिजली का बिल और लगा करके उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। तो अप्लाई जब होता है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए डिस्काम के थ्रू जाता है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल होने के बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। दूसरा क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है सर? बिजली बिल के बाद आधार कार्ड होता है, उसका आधार कार्ड लगाना पड़ता है। आधार कार्ड लगा करके इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, वहाँ आकर के देखते हैं कि लगाने के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से अर्थिंग प्रॉपर अर्थिंग देखते हैं, फिर लाइटिंग एरेस्टर का भी देखते हैं कि लाइटिंग एरेस्टर लगा है कि नहीं लगा है, प्रोटेक्शन डिवाइस आपने लगाया है कि नहीं लगाया है, कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया है, इन्वर्टर आपने कौन सा लगाया है, कितने वाट का पैनल लगा रहे हैं, कितने पैनल लगा रहे हैं, पूरी डिटेल उसमें भी फिल करना होता है जो ऑनलाइन इनका होता है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब हम एप्लीकेशन कोई कंज्यूमर सबमिट करते हैं तो उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है, तो क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने के लिए भी कुछ पेमेंट करना पड़ता है? नहीं सर, कोई पेमेंट नहीं है, ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सिंपल सा उसमें है कि आपका आधार और ईमेल आईडी, फोन नंबर और बिजली का बिल, ये 4 चीज चाहिए मस्ट है उसके तो लिए। जो लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपने घर पर ये चेक करवाना चाहते हैं कि हम अपने घर पर सोलर लगवा सकते हैं या नहीं, उनको सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या सर के थ्रू, आप यदि लखनऊ के आसपास में है तो आप सर के कॉन्टेक्ट करके आप उनसे एप्लीकेशन अप्लाई करवा सकते हैं। हाँ सर, कोई अगर लगाना चाहता है तो हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकता है, हम उसके साइट पे जा करके साइट विजिट करके उसके बाद, असल में फार्म भरने में लोग गलती क्या करते हैं कि कभी कभी लोड
क्षमता के अनुसार जितना लोड है उसी के अकॉर्डिंग ही लगता है सोलर सब्सिडी वाला प्लांट। अब लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ 3 किलोवाट का कनेक्शन, हमारे यहाँ लोड सेंक्शन है, हम उसमें अप्लाई अगर 4 किलोवाट का करेंगे तो वो 4 किलोवाट की वजह से वहाँ से वो हो जाएगा डिसअप्रूव हो, हाँ डिसअप्रूव हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो फाइल पेंडिंग में चली जाती है, तो 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं उसको सही करने में। तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रॉपर सबमिट हो जी। दूसरा बात आता है सर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है तो यहाँ पर जो हम नोटिस किए हैं कि प्राइसिंग को लेके कि सोलर लगवाना है तो प्राइसिंग बहुत वेरिएंट प्राइसिंग है, तो क्या प्राइसिंग को कैसे सिंपलीफाई आप करते सर? प्राइसिंग का तो सबसे बड़ा मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसका कारण ये है कि जितने भी छोटे वेंडर्स हैं, मतलब जो इंस्टॉलर हम लोगों के यहाँ हुआ करते थे, वो लोग घूम घूम करके जा करके किसी न किसी तरह से वेंडर को पकड़ करके भ्रामक जानकारी दे करके और कम से कम में बिना मानक के अनुसार वो लगा करके प्लांट चले जाते हैं। उसके बाद उसी का होता है कि जब उसकी सब्सिडी नहीं मिलती है चाहे कोई दिक्कत होती है तो लोग सोलर के बारे में निगेटिविटी वहीं से आती है, लोग कहते हैं कि प्लांट हमारा सही से नहीं चल रहा है, सोलर बेकार है, वहीं मेन कारण वहीं है। लोग कंज्यूमर भी थोड़ा सा अवेयर हो उस चीज़ को लेकर के कि देखिए हमको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, हमें 2 पैसा महंगा भले पड़े लेकिन क्वालिटी वाइज हम लेकर के चले, जो जो मानक के अनुसार से उस मानक के अनुसार से लगाएं, तो सर उस तरह की बहुत समस्या नहीं है क्योंकि रेट सबका लगभग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2-4-5 हज़ार रुपये का ही उसमें गेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है सर उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हम प्राइस कन्फर्म कर लिए कि हमें 4 किलोवाट का साइट या 5 किलोवाट लगाना इस रेट से मिलता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राइसिंग ये सब डन हो गया? सब डन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ एक एग्रीमेंट होता है, 100 रुपये के स्टैंप पेपर एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, उसमें EPPCL और उसके माध्यम से कंज्यूमर के माध्यम से एक एग्रीमेंट होता है, उसमें एग्रीमेंट में पूरी शर्तें लिखी होती है कि हम 5 साल तक उसकी देख रेख करेंगे और उसका प्रॉपर कौन कौन सा लगा रहे हैं, DCR मॉड्यूल हम लगा रहे हैं तो उसका सीरियल वाइज उसका नंबर पड़ता है, उसके बाद हम इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हैं उसका मॉडल नंबर सीरियल नंबर वो भी पड़ता है, हम ले आकर के प्लांट जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर लगाते हैं, 3 अर्थिंग लगाते हैं, उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, प्रॉपर ले आकर के सेट हम लोग जाकर के छत पे ले जाकर के उसको कराते हैं, पूरी टीम है हमारे पास जो कि वो पूरा काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद इंस्टॉलेशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं जी जी, तो यहाँ पर कंज्यूमर खुद सबमिट करते हैं या आपको करना पड़ता है? नहीं सर, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रोसेस, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। तो मतलब ये कंज्यूमर के साइड से या जो इंस्टॉल करते हैं उनके साइड से? नहीं, कंज्यूमर के साइड से ही होगा, जो भी काम क्योंकि संदेश एक ऐप है उनके माध्यम से OTP आता है, हालांकि वो हम लोग भी करते हैं, बिना OTP के माध्यम से नहीं होगा। अगर कंज्यूमर अगर तैयार रहना पड़ेगा जी, अगर कंज्यूमर OTP हमको प्रोवाइड करता है तो हम अपने सिस्टम से भी कर देते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब कंज्यूमर अपने से कर सकते हैं लेकिन जो लोग चाहते हैं कि आप कर रहे हैं वो आपके थ्रू? हाँ, OTP उनके नाम से आएगा, हम उसको लेकर के अपने यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली है ये कंज्यूमर के लिए ही। तो उसके सर इसका कोई टाइमलाइन भी रहता है कि कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट हम किया, एग्रीमेंट कंज्यूमर कर दिए तो इस टाइमलाइन में प्रोजेक्ट लगना चाहिए, ऐसा कोई टाइमलाइन? टाइमलाइन कोई ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मतलब ये होता है कि जितना जल्दी लग जाएगा उसके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, मतलब ऐसा क्योंकि बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइमलाइन नहीं हुई है? हाँ, टाइमलाइन नहीं है उसको, जो भी अगर मान लीजिए कि एक जैसा अगर हम चाहें, अगर उसका ये कि अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो उसको लगाने में उसकी बिजली की बचत उसी से शुरू हो जाएगी, उसी दिन से शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये कि ये जो अगर देखा जाए तो अगर हम FDD भी कराते हैं तो 4-5 साल के लिए कराते हैं तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना हम सोलर लगा करके बेनिफिट प्राप्त। अच्छा, उस पर हम आते हैं। अब सर ये सब्सिडी वाला जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या ये वेरिफिकेशन? दो चीजें ऑन ग्रिड में सबसे ज्यादा इंडिया में अभी मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है, नेट मीटर और सब्सिडी। जो लोग जैसे सर बताए कि सब्सिडी नहीं भी मिलेगा तभी सोलर फायदेमंद है जी जी, तो नेट मीटर और सब्सिडी ये सब के बीच का क्या है आज के दिन में? नेट मीटरिंग सर थोड़ा सा अभी इस समय अगर देखा जाए तो EPPCL के थ्रू प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं, अगर नियम से काम कराया जाए तो असंभव चीज़ नहीं है सर,
थोड़ा सा लगना पड़ेगा उसमें। क्या होता है कि पहले नेट मीटरिंग के लिए, अगर बहुत से घरों में तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो वहाँ केवल हम लोगों को सिंक्रोनाइज करा देते हैं नेट मीटर से उसको। लखनऊ के घरों में स्मार्ट मीटर? जी, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे नेट मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी को सिंक्रोनाइज करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अब सीधे शो करने लगता है सोलर का भी उसमें। अच्छा, जहाँ पे अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगा होता है वहाँ पे नेट मीटरिंग लगाना पड़ता है, नेट मीटर लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये सोलर लगवाना कितने दिन का काम है सर, यदि कोई प्लान कर लिए तो कितने दिन का काम है पूरा? सर अगर देखा जाए तो अगर फीजिबिलिटी रिपोर्ट आने में ही थोड़ा समय लगता है, मान लीजिए एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता होता है, एक हफ्ते के बाद अगर हमें समय मिलता है, अगर प्रॉपर वे में चलता है, तो सर 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर के 2 दिन तक। गर्मी का सीजन आने वाला है, लगता है इस बार घरों का बिजली बिल ज्यादा पिछले साल से और ज्यादा आने वाली है जहां तक हमें लग रहा है। नहीं नहीं सर, उसमें ये भी है कि कंज्यूमर भी थोड़ा सा जागरूक हो गए, हम लोगों के भी इंक्वायरी बहुत आ रही है इसको लेकर के, तो भविष्य में सर लग रहा है कि नहीं अप्रैल के बाद इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। ओके, तो यहाँ पर बजट के ऊपर कहीं पर भी दिक्कत आती है सर, कि कोई कंज्यूमर चाहते तो हैं, सोलर आज के दिन में कॉस्टली है, 3-4 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट पड़ता है, तो कहीं बजट का भी ऐसा? हाँ सर, बजट का इशू बहुत ज़्यादा आता है। अभी तक जो फाइनेंसिंग सिस्टम है वो बैंक भी इसके लिए डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती है, जो नेशनलाइज बैंक है वो डायरेक्ट फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं कि नहीं इसको किसी तरह से फाइनेंस के लिए जो बैंक से बात करके उसको कराया जाए। और मैं तो सर यूपी सोलर कमेटी में भी मेंबर हूँ IAEA का, तो हम लोग भी ऑलरेडी लगे हुए हैं कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंस की सुविधा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा सकें, तो फाइनेंस सर इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। और कुछ आपको लगता है सर आप? नहीं सर, इसमें सबसे देखिए अगर प्रॉपर ढंग से काम हो तो सबसे उसमें ये कि आप जो भी नियमता जो भी है उस हिसाब से काम करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे कंज्यूमर ये सोचते हैं सर कि 4 लाख रुपया यदि हम सोलर पर लगा रहे हैं, इससे बढ़िया बैंक में रख देंगे, उसके जो इंटरेस्ट रेट आएगा उससे हम अपना बिजली का बिल सबमिट कर देंगे। आप इस पॉइंट से कितना सहमत सर? हम तो एकदम नहीं मतलब इससे असहमत हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 या 5 किलोवाट का ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट अपने घर पर लगाए हैं। हाँ सर, इससे हम टोटली असहमत हैं कि नहीं बिजली वो FD करा करके उससे बेनिफिट मिलेगा। सर FD में इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो आज के डेट में 4 से लेकर 5% से ज़्यादा नहीं है कहीं भी। इसमें सर क्या है कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो मैक्सिमम 3 साल में आपको रिटर्न मिल जाता है, बिजली का बिल जो जमा आप करते हैं उसका ऑन एवरेज देखेंगे तो 3 साल में आपका रिटर्न मिल जाता है। और ये प्लांट सर चलता है 25 साल तक मिनिमम, तो 25 साल तक सर 3-4 साल के बाद आप मान लीजिए 22 साल आप फ्री बिजली यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आज के रेट अगर 7 रुपये यूनिट के हिसाब से है और 5 साल के बाद अगर यहीं 12 रुपये भी अगर हो जाता है तब भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताइए सर, आप अपने घर पर सोलर कब लगाए हैं और उसका रियल बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहा है? देखिए सर, हमने तो सोलर 2012 में लगाया था अपने यहाँ। अच्छा, 2012 में लगाए? जी, जी, आज से 11 साल पहले। हाँ, 2012 में हमने सोलर लगाया था, अपग्रिड हमने लगाया था, और वही सिस्टम पहले हमने छोटा लगाया था, बाद में हमने उसको बड़ा कर दिया। आज हमने 5 किलोवाट का लगाया है अपने यहाँ सिस्टम, लगाया है अपग्रिड ही सिस्टम लगाया है, हम भी ऑनग्रिड अभी और लगाने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। समय नहीं मिल पा रहा है कि हम अपना फीजिबिलिटी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर पाए, तो उसको भी सर हम 4 किलोवाट 5 किलोवाट का और हम लगाने जा रहे हैं अपने यहाँ। बहुत सारे सर सोलर 2018 में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, कई कंज्यूमर सोलर लगाए हुए हैं, किन्हीं का इन्वर्टर चेंज करने की बारी आ गई है, कहीं पर बिजली की सुविधा, पहले 5-6 साल पहले बिजली उतना नहीं आती थी, बिजली हो गया। क्या पुराने सोलर पैनल जिनके जिनके घरों पर सोलर लगा हुआ है क्या ऑनग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर उसमें सब्सिडी पहले तो नियम था, हो जाता था, लेकिन अब सर 2022 के बाद ये हो गया है कि जब जो भी DCR पैनल है उस पे ही केवल आपको लगा सकते हैं, LM जो अप्रूव्ड पैनल है उसी पे नेट मीटरिंग भी होगी। जो नेट मीटर जो सब्सिडी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका सोलर पावर प्लांट जैसे बिजली किसी कंडीशन में, हम बताएं कि बिजली आ गई है, 5 साल पहले बिजली नहीं रहती थी, अब इन्वर्टर की वारंटी खत्म हो गया या इन्वर्टर खराब हो गया, ये सोलर में जो काम कर रहे थे वो काम करना छोड़ दिए हैं,
जी, जी। वो अपने सोलर को कैसे यूटिलाइज करें? नहीं सर, उसमें यही हो सकता है कि चूंकि नेट मीटिंग उन्होंने सितंबर के बाद उन्होंने जो भी पुराने एलएम अप्रूव्ड अगर पैनल नहीं है तो डिस्काम के माध्यम से नेट मीटिंग नहीं हो रही है उसकी। अच्छा, अभी ये समस्या आ रही है। अच्छा, वो नेट मीटरिंग नहीं हो रही है। हाँ, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो एक बार मतलब क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम रहेगा या अभी तक तो सर अभी सितंबर के बाद तो परमानेंट ही चल रही है। अच्छा, अभी तक नेट मीटरिंग नहीं। उससे पहले हम लोगों ने लगाया भी था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद अभी दिक्कत आ रही है। सर, ये लखनऊ का ये इलाका जो दिख रहा है, यहाँ पर एक घर पर हमें सोलर दिखा है और कहीं पर सोलर है नहीं, तो क्या यहाँ पर लोग सोलर के बारे में जानते नहीं है या सोलर के बारे में कुछ और सोच रहे हैं? नहीं सर, जानते हैं ऐसा नहीं है। ये चूंकि ये एरिया है जानकीपुरम विसार का एरिया है और ये पूरी डेवलपिंग एरिया है, अभी जो लोग जो डेवलपिंग एरिया है तो यहाँ पे लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं, लगेगा यहाँ पर भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है सर, लॉकडाउन के बाद लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह से नहीं है कि जो एकाएक वहाँ उठा करके 3 लाख चाहे 2 लाख चाहे 4 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारे हम जानकारी सब स्तर जाने सोलर के बारे में, सब्सिडी के बारे में और उसके मेजर चैलेंजेस के बारे में। अब सर, ये सब सारे को यदि सोल्व करना हो तो आप कैसे हेल्प करेंगे और आपसे लोग मिलेंगे तो कैसे मिल सकते हैं? नहीं सर, हमारा रुद्रा कंस्ट्रक्शन सप्लायर के नाम से हमारा ऑफिस जानकीपुरम विसार में भी है और एक हमारा ऑफिस विकास नगर में भी है, तो वहाँ पे लोग संपर्क कर सकते हैं और नंबर भी हमारा ऑलरेडी साइट पे भी कहीं शो करता रहता है। वैसे हमारा नंबर 7007628979 है, उस पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो सर हम लोगों ने जो यहाँ पे प्लांट जो भी लगाया है वो सर अभी तक तो जितने भी हमने प्लांट लगाया बहुत अच्छे सर चल रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा, कस्टमर 100% सेटिस्फेक्शन में है सर। बाकी आपसे मिलेंगे तो ज़्यादा उनको हेल्पफुल मिलेगा, वीडियो के माध्यम से सिर्फ वो कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारे एरिया में भी सोलर में काम करने वाले कोई हैं जो सब्सिडी और नॉन सब्सिडी दोनों में काम करते हैं। हाँ सर, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सर जिसे हम तो अभी देखे हैं जिन्हें सर जो हम लोग लूम सोलर का वो लगाते हैं नेट इन्वर्टर लगा रहे हैं उसका सर रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, अभी भी जो भी हमने लगाया है अभी एक भी ऐसा कंज्यूमर से शिकायत अभी हमको नहीं मिली है और प्रॉपर वाईफाई से ही कनेक्ट है, कंज्यूमर अपने आप खुद देख लेता है, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं, वो पर डे का प्रोडक्शन उसमें दिखाता रहता है, तो वो सर बहुत मायने रखता है कि आप क्या उसमें लगा रहे हैं। कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है सर? यहाँ पे सर के यहाँ 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, सिंगल फेस, सिंगल फेस का। ओके, ठीक है, ठीक है सर, और कुछ आप बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको लग रहा हो कुछ हम मिस किए हैं डिस्कशन में? नहीं सर, बाकी सब ठीक है, बस यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोलर लगाएं तो एक तरह से देखा जाए तो प्रदूषण की भी होगी, दूसरी बात है कि लोगों की बिजली जो अपने ऊपर खुद अपना बिजली बनाएं, खुद अपना घर चलाएं, उससे क्या होगा कि बिजली पर डिपेंड, जैसे बिजली का बिल जो होता है वो पर मंथ जाना है तो उससे क्या होता है कि हर महीने एक पूरा हेडक बना रहता है। इसमें स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि इसे अगर ड्यू डेट अगर 18 तारीख की है तो वो 18 तारीख को 2 बजे आपकी बिजली की बिल काट देंगे, आपको पता नहीं चलेगा मीटर में लाइट आ रही है आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, आप परेशान, अब पता चला कि अब ढूंढेंगे क्या हो गया कैसे हो गया बिजली, आपको फ़ोन करेंगे पता चला कि आपका कनेक्शन जो है कटा हुआ है किस कारण, तो आपने बिजली नहीं जमा किया है। तो ये सब समस्या से निजात के लिए सर सबसे बढ़िया है कि अगर आप सोलर प्लांट लगा लेते हैं तो उससे अच्छा सर कोई ऑप्शन है ही नहीं आज के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यदि आप भी सोलर के बारे में जानना चाहते हैं और सोलर को सब्सिडी स्कीम के थ्रू लगवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो रुद्रा कंस्ट्रक्शन से जो एसके मिश्रा जी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और पूरी जानकारी के लिए loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां से उनका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और आसपास के यदि लखनऊ के आसपास से हैं जहां वो अपना ऑफिस एड्रेस बताएं वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं या आप उनको अपने यहां पर बुला सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं तब तक इस टाइप का सिस्टम लगाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहां पर टाइम पैसा ये सब सारे इन्वॉल्व होते हैं। यदि वो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है सब्सिडी को लेके तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें पूछें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।